तो हम लोग कॉर्नर का देखिए बहुत सुंदर ये वाला घर देखने वाले हैं। देखिए ये पूरा घर है, कितना सुंदर इसका एलिवेशन है, बहुत प्यारा घर है। गोमती नगर एक्सटेंशन में विज्ञान खंड में ये पूरी गेटेड सोसाइटी है। डिफरेंट साइज के इनके पास घर हैं। फ्रंट इतना ज्यादा होने के कारण आगे दो तीन गाड़ियां भी हैं तो वो भी पार्क हो सकती है। आराम से क्लोज गेटेड कॉलोनी, सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे जितने भी काम है मैम, जगुआर के फिटिंग्स लगे, एंकर का लगा है, सुप्रीम का लगा है, गैलेंट की सरिया लगी है, 15-15, 14-14 कॉलम है उस मकान में, तो इस बिम कॉलम पे सारा मकान है। मैम यहाँ ये प्रॉपर्टी लगभग 85% तक फाइनेंस हो जाए। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको गोमती नगर एक्सटेंशन विज्ञान खंड में बहुत अच्छे घर दिखाने के लिए आ गई हूँ। रो हाउसेज हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप देख सकते हो। पूरी गेटेड सोसाइटी है, गार्ड अंकल बाहर ही खड़े हैं, तो सिक्योरिटी पूरी है यहाँ पे। और इस तरफ से अगर आप अमेठी यूनिवर्सिटी से आएंगे तो जस्ट वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये साइट पड़ती है। गेट नंबर 4 के बगल से रास्ता आता है, आपको वहाँ से आ जाना है। तो हम लोग कॉर्नर का देखिए बहुत सुंदर ये वाला घर देखने वाले हैं। पहले आप फ्रंट से इसको देख लीजिए। देखिए ये पूरा घर है, कितना सुंदर इसका एलिवेशन है, बहुत प्यारा घर है। अमन जी ये बताइए सबसे पहले लोकेशन एग्जैक्टली कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं? मैम ये कॉलोनी न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ती है। न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी से लगभग 1200 मीटर पीछे हासे हो पड़ता है। ये पूरी कॉलोनी नगर निगम में है, बहुत 60 मकान लगभग यहाँ पर बने हुए हैं। और न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 से रास्ता आता है जो कि यहाँ पर डायरेक्ट गोमती नगर एक्सटेंशन करके विज्ञान खंड एग्जैक्ट इसको जगह को बोलते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। गोमती नगर एक्सटेंशन में विज्ञान खंड में ये पूरी गेटेड सोसाइटी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। लास्ट वीडियो बनाया था उससे बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने घर लिया था। एंड सबसे अच्छी चीज़ है आप यहाँ पे डायरेक्ट ओनर से बात कर रहे हैं, आप आओगे आपको ऑफिस में मिलेंगे। डिफरेंट साइज के इनके पास घर हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। 1050 स्क्वायर फिट का ये घर है जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। कॉर्नर का है, एक और कॉर्नर का घर है, मतलब कुछ कॉर्नर के यहाँ पे घर हैं, बाकी नॉन कॉर्नर भी घर हैं। तो चलिए घर दिखाती हूँ। नवरात्रि का बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, गोमती नगर में होने के बाद भी इसका रेट बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेगी वीडियो के एंड में। तो चलिए घर अंदर से देखते हैं। ये पूरी पार्किंग है आपकी, कौन सी गाड़ी यहाँ पे मुझे लगता है आ जाएगी मैम? आप पोस्ट देख के यहाँ पर अंदाजा लगा सकती है, यहाँ इनोवा फॉर्चुनर जैसी गाड़ियों का पार्किंग लगभग बनाया गया है। और इस मकान की खासियत है मैम, ये 32.5 फिट का फ्रंट है, बहुत ही बड़ा फ्रंट है। मैं बताऊं 1000, 1050, 1100 में 32.5 फिट, 30 फिट का फ्रंट नॉट पॉसिबल है। 32x32 में ये मकान है। चलिए ये पार्किंग है, दो एंट्री आपको मिलेगी। तो हम यहाँ से आते ये हमारा ड्राइंग रूम है, काफी स्पेशियस है ड्राइंग रूम, प्लस यहाँ पे डाइनिंग एरिया आपको अलग से भी मिल जाएगा। मतलब आप चाहो यहाँ बना लो, चाहे इतना बड़ा सा आपका हॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो स्पेस कितना ज़्यादा है। एंड फॉल सीलिंग है, अगेन पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है। इस तरफ आपको टेक्सचर्ड वॉल मिल जाती है, एक तरफ की वॉल टेक्सचर्ड है, इस तरीके की आपको विंडो मिल जाएगी। एंड विंडो एसी आप लगाना चाहो आराम से लगा सकते हो, आप जो भी एसी यहाँ पे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ही ज़्यादा स्पेस है। एंड सेकेंड एंट्री वाला जो गेट है वो आपको इस तरफ मिल जाएगा। तो ये पूरा एक हॉल हो गया, प्लस यहाँ पे आप चाहो अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं जहाँ लगाना चाहें। एंड इस तरफ हमको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट, ये इन्होंने अच्छा किया है, दोनों सेपरेट कर दिया है, टॉयलेट अलग कर दिया है, बाथरूम अलग कर दिया है। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है पूजा घर, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि घर में हम ढूंढते रह जाते हैं कि मंदिर कहाँ लगाएंगे। तो स्पेशली आपको यहाँ पे पूजा घर मिल जाता है, प्लस विंडो भी मिल जाती है, तो वेंटिलेशन लाइट भी पूरे टाइम यहाँ रहने वाली है। इस तरफ एक वॉश बेसिन लगा के मिल जाता है। एंड ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया। एंड यहाँ पर भी विंडो मिल जाती है, मेन रोड से आपकी विंडो कनेक्टेड है, तो काफ़ी अच्छा देख सकते हो। इस तरीके का आपको ये पूरा बेडरूम मिल जाता है। अगेन आपको वॉल पीओपी है ना, प्लस माइनस की पीओपी है, और अलमीरा का जगह दिया गया है, अलमीरा के लिए स्पेशल स्पेस दे दिया गया है। एंड काफी बड़ी अलमीरा आप यहाँ चाहो बनवा लो, चाहो बड़ी सी, मतलब काफी अच्छा स्पेस है अलमीरा के लिए भी।
मैम इसको अलग अलग करने का ये कारण था कि हम लोग यहाँ पूजा रूम एक अलग से सेट करना चाहते हैं, तो बाथरूम के बगल में वास्तु का बहुत ध्यान रखा गया है, कहते हैं टॉयलेट बाथरूम के बगल में वो नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इसको पार्टीशन करके ये नहाने का घर है, केवल नहाने के लिए है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा पूजा स्पेस निकाला है। और वेंटिलेशन देखिए मैम, इधर भी वेंटिलेशन, वॉशरूम में भी वेंटिलेशन, इधर भी वेंटिलेशन, कॉर्नर है ना, इस वजह से कॉर्नर होने से वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, नेचुरल आपको एयर मिल जाएगी। एंड ये है आपकी किचन, बहुत ही स्पेशियस, इतना 1000-1050 के रेंज में इतनी स्पेशियस किचन मैम बहुत ही रेयरली ही मिलता है। एंड सेपरेट है, बहुत लोग चाहते हैं कि भाई हमें नहीं ओपन वैसी किचन चाहिए, सेपरेट भी है आपकी किचन, विंडो से अटैच है, मेन रोड पे कौन आ रहा है क्या हो रहा है आप देख सकते हो, एंड गेटेड सोसाइटी है तो कोई ऐसा भी नहीं है, सब सेफ है यहाँ पे। एंड ये है ओटीएस वेंटिलेशन, अगेन पूरे टाइम रहने वाली है। एंड ये है हमारा सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम जैसा है मैम, ये बहुत ही स्पेशियस बनाया हमने, सबसे बड़ा कमरा है यहाँ का, और इसमें हमने अलमीरा का भी एक अलग जगह दे रखा है कि अलमीरा बना के लोग इंसान लोग फिट कर सकते हैं, अलमीरा का एक अलग ही स्पेस है। मास्टर बेडरूम है, अटैच आपको टॉयलेट मिलता है इस तरफ, एंड साथ में अलमीरा के लिए स्पेस है, विंडो आपको इस तरफ मिल जाती है, अगेन बहुत अच्छा वेंटिलेशन देख रही हूँ कि वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है जी। तो ये हो गया हमारा पूरा घर का टूर, एंड यहाँ से आप चले जाओगे तो आप छत पे चले जाओगे, छत पे जाने जी मैम आप एक, मैं छत पे कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। कॉर्नर होने की वजह से मैम छत का एक अलग ही मजा होता है, प्लॉट एरिया 1050 है लेकिन बन के लगभग छत इसका 1300 स्क्वायर फीट में, जैसे साइड का भी आपको पूरा मिल जाता है ना मैम, एक स्टोर टाइप का एरिया हमने बना रखा है छत पे, आप देखिए फ्रिज कूलर इन्वर्टर कोई भी चीज रखना चाहे तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशियस एक छत पे वो भी मतलब कूलर वगैरह विंटर में आप नहीं यूज कर रहे हो, यहाँ राशन कोई है कोई और चीज है इस तरीके से रख सकते हैं। बहुत सही बना है क्योंकि आपने यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट कर दिया, एकदम सेपरेट, रास्ते में नहीं पड़ेगा कि आप जी, आ रहे हो। आइए देखिए छत कितनी बड़ी है, कॉर्नर का है ना, बहुत प्यारी बड़ी एक सी बार मैम दिखाइए कि कितने क्या जहाँ ले रहे हैं वहाँ कैसे क्या सब लोग रह रहे हैं कि नहीं, एकदम हर तरफ रेजिडेंशियल है, प्योर पूरी तरफ कॉलोनी फैमिली रह रही है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, धीमे धीमे आपको आगे वीडियोस में पता चलेगा। और इस सोसाइटी में कितने लोग रहने लग गए हैं, लगभग 30 फैमिलीज रह रही हैं और आने वाले दिनों में समझिए और लगातार गृह प्रवेश करते जाए। 30 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है, मतलब इस सोसाइटी में 30 फैमिली, 60 मकान की कॉलोनी है, 50% पे पोजेशन हो चुका है, बाकी आने वाले 2-2.5 महीनों में लगभग लगभग सब फैमिलीज धीमे धीमे मैम पजेस करते जा रहे, कंप्लीट करते जा रहे, मकान देते जा रहे, नवरात्र और दिवाली आती जाएगी उस तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे। सब मैम कॉलम एक्सटेंड करके दिया कि ऊपर अगर आप बनाना चाहें तो आपके लिए बहुत आसान हो। मैम जो अभी आपने वीडियो में मकान देखा वो 1050 स्क्वायर फीट का मकान है, 32.5 फीट उसका फ्रंट है और 32.5 फीट गहरान है, और कॉर्नर का मकान है हम मैम उसका रेट बहुत ज़्यादा एकदम जानिए फिक्स ही है, उसमें बहुत ज्यादा नेगोशिएशन का ज्यादा चांस नहीं है, नेगोशिएशन का ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन बताया ही उतना गया है जी मैम बताइए, लेकिन ये है कि अगर आप पहले आते हैं यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू तो कॉर्नर रेट होता है 10% PLC चार्ज हर कोई लेता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉर्नर का मकान समझिए बिना कोई चार्ज लिए 48 लाख का वो मकान पड़ेगा और बहुत ज्यादा उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, आप यहाँ आएंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा और मकान बहुत अच्छा है, फ्रंट इतना ज्यादा होने के कारण आगे 2-3 गाड़ियां भी हैं तो वो भी पार्क हो सकती है आराम से, क्लोज गेटेड कॉलोनी, सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे जितने भी काम है मैम, जगुआर के फिटिंग्स लगे, एंकर का लगा है, सुप्रीम का लगा है, गैलेंट की सरिया लगी है, 15-15, 14-14 कॉलम है उस मकान में, तो इस बिम कॉलम पे सारा मकान है तो वो उतना वर्थ है उसकी प्राइस, इतने बल्क में कर रहे हैं तभी वो इस रेट में दे भी पा रहे हैं, अदरवाइज सिंगल कोई बनाता तो दे भी ना पाता। तो आइए आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए, लोन का क्या है, LIC HFL से, ICICI बैंक से, आधार, आवास, PNB हाउसिंग, आदित्य बिरला, ऐसे बहुत सारी कंपनियां फाइनेंस कर देंगी और 85% तक फाइनेंस हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, हम सब करा देंगे। प्रॉपर्टी दाखिल खारिज है, नगर निगम एरिया है, दाखिल खारिज जमीन पे ये पूरी प्रॉपर्टी बनी हुई है,
फैमिलीज रह रही हैं, बहुत सारी अच्छी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, अच्छी जॉब वाले, अच्छे बिजनेस वाले लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। तो आइए आप लोग देखिए, केवल 4-5 मकान ही बचे हैं, बाकी सब सोल्ड आउट है, ये पूरा खत्म है इनका प्रोसेस। यस मैम, और यहाँ पर कुछ और मकान है, 1000 स्क्वायर फीट का कॉर्नर मिल जाएगा, 900 स्क्वायर फीट का कॉर्नर मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो गया, और कोई छोटे भी साइजेस आते हैं तो हम बना के दे देंगे, थोड़ा सा समय उसके लिए 5-6 महीने का लगेगा। चलिए आइए विजिट करके देखिए, पसंद आए तो मकान ज़रूर ले लीजिए एंड जल्दी आइए। बाकी कोई डिटेल है तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।